तलाल चौधरी साहब, आपकी जमात को भी ऐसी चीज़ें मांग करनी चाहिए जो इंसाफ के तकाजों से पूरी उतरती हों। कोई रायत नहीं मांगनी चाहिए, शफाफियत सिर्फ मांगनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मलिक साहब, एक बात की क्लैरिटी मैं से पहले भी हमने बयान किया, मैं भी कर दूं कि इस दफा नेगोशिएशन के लिए हकूमत ने दावत दी थी। हकूमत ने कहा था कि नैब कानून को भी हम नेगोशिएट करना चाहते हैं। सो सबसे पहले तो अगर हमारी कोई चाहत कोई एनआरओ की कोई दूसरी होती तो शायद हम इन्हें अप्रोच करते। सेकेंडली, हमने तो बात ही नहीं की कि उस तरह की रिफॉर्म कर दी जाए जैसे आपने केपीके में एहतसाब का धारा ही बंद कर दिया था। अब फुआद साहब उसको एनआरओ कहेंगे या एनआरओ प्लस कहेंगे या एनआरओ मेगा एनआरओ कहेंगे, जिसमें सारे के सारे केसेस और हर चीज ही खत्म कर दी गई। उसके बाद मैं तो नहीं कह रहा कि फॉरेन फंडिंग की तरह हमें 6 साल की कोई स्टे या उस पे कोई एनआरओ दे दे। मैं हमने ये नहीं कहा कि पिशावर मेट्रो की तरह हम जाकर स्टे ले लें और बैठे रहें। वो बिलियंस का प्रोजेक्ट जो कि सारे कहते हैं मदर ऑफ करप्शन है। बात पता क्या है जी, तलाल, लेकिन ये आपको शोर एनआरओ मचाते तो हैं किसी ना बाहर किसी आके शक्ल में कुछ मिले हैं। अंदर बात। तलाल, लेकिन आपको एनआरओ तो जी आपको जी भी और पीपल्स पार्टी को मिले हैं। नवाज शरीफ साहब का यहाँ से लंदन जाना, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मुलतवी होते रहना, जरदारी साहब का रिहा होना, फरियाल तालपुर साहब का, इन्हीं कवानीन के होते हैं जो इन्हें मैं काला कानून कहता हूँ। मैं उन कानूनों को सपोर्ट नहीं करता, मुझे उनसे तहफ़ुज़ात हैं, क्योंकि बेयकीनी बहुत इन्होंने पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। तो लेकिन आप लोगों ने राय तो ली मैं किसी मलिक ना किसी साहब, तरीके से, फवाद चौधरी की हुकूमत से बाला ही बाला मिली हो, लेकिन मिली तो सही। मलिक साहब मैं उस पे आता हूं। अच्छी रायत है कि जिन केसेस में सजा करके आपने उनको अंदर बंद किया था, उस फैसले की ट्रेल जो है वो जज की वीडियो है, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। उसके बाद यानी हर चौथे दिन हमें इश्तिहारी और हर चौथे दिन नया रेफरेंस हमारे खिलाफ आता है। जितने लोग हमारे पकड़े गए उनके जो बेल्स के फैसले आए हैं उसमें जो कुछ लिखा गया है वो तो सियासतदानों ने भी नहीं कहा इस नैब लॉ के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट कह दिया है। चले छोड़ दें हमें, हम तो हवाओं की दूसरी रुख पर है। मैं 1 मिनट के लिए नैब के कानून को साइड पे कर देता हूं। ये पॉलिसी मैटर है हुकूमत की। जहां नैब से कोई एहतसाब से बचा उसे मंशियात में अंदर कर दिया, जो मंशियात से बचा उसको आपने साइबर क्राइम एक्ट में हमारे सबसे ज्यादा हमारे अपोजिशन और हमारे एक्टिविस्ट पे पर्चे दिए। नादराज ने शिनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए। सो FIA एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत एक उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है जो कि हकूमत के अगेंस्ट खड़े हैं।